तो यहाँ पे आप सबको फिर से वेलकम है एक नया सा वीडियो में। तो लास्ट टाइम हम लोग एक्चुअली ऐसे हुआ था कि हम लोग जो अपना सेकंड पार्ट तो अपलोड नहीं कर पाया था, तो हम लोग एक साल लगाए वापस अपना सेकंड पार्ट को शूट करने के लिए। तो अभी फाइनली यहाँ पे हम लोग पुतिन पहुँच गए। तो मेरा पास पार्ट में तो एक्चुअली हम लोग ऐसे था कि नाहर लगन में था, तो यही से हम लोग वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू को हम दिखाने वाले हम लोग का तरफ से नज़ारा। तो यहाँ से हम लोग ईटानगर से आए, वो है जीरो का रास्ता और ये है पुतिन का डैम। तो थोड़ा देर में हम लोग मिलते हैं यहाँ पे। हम लोग कुछ खाने के लिए रुका हुआ है। तो आज का मौसम तो बहुत सुहाना है, आप क्या कहना चाहते हैं इस मौसम में? आज का तो जर्नी के लिए परफेक्ट है वेदर। तो इतना अचानक से प्लान कैसे हो गया कि हम लोग वापस जाएगा? हम घर में भी नहीं बताया, हम बस ऐसे ही निकल गए। अभी आने चाहिए वीडियो को देख के गुस्सा नहीं होना है, वही है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा कुछ ख्याल है, उसके बाद फिर निकल जाएंगे। तो आज का ब्लॉग ऐसे कुछ होने वाला है कि कहीं तो ये मोटो ब्लॉग भी हो रहा है। तो कोई कोई इंसान लोग सोच रहा होगा ये फार अवे क्यों हमेशा बहुत लेट वीडियो अपलोड करता है। अकॉर्डिंग टू टाइटल कभी कभी ऐसे होना पड़ता है बिकॉज फार अवे। तो आप लोग यहाँ के ये रास्ता का नज़ारा ले सकते हैं ऐसे कुछ। हाँ, ये लोग देखो, ये लोग है लर्नर पर करता है प्रो वाला एक्टिंग। सबसे पहले अभी हमको पंचर दुकान ढूंढना है, उससे पहले यहाँ से स्पीड से जाना है हमको। अभी 5 किलोमीटर बाद हम लोग यजाली पहुंचने वाले हैं, तो यजाली में शायद मिल जाएगा हम लोग को हवा भराने के लिए। पुलिस चेकिंग आजकल हर जगह चल रहा है इलेक्शन का वजह से, आजकल मोटी रकम लेके सब घूम रहे हैं। तो यहाँ पे तोरा से हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। तो ये कौन सा जगह था? यचुली है क्या? जोरम बस्ती है क्या? पूरा फोग ही फोग है आज। सो हियर फाइनली वेलकम टू द जीरो। यहाँ पे पुलिस चेकिंग शायद ही होगा। हम लोग का नहीं होगा, स्कूटी बाइक लोग का। यहाँ से आलो भी जा सकते हैं, पसीघाट भी जा सकते हैं, एंड दापो तो जा ही सकते हैं। जब भी हम लोग अरुणाचली लोग अपना ही गांव जाने के लिए ईटानगर से असम होके जाना पड़ता था, आजकल अरुणाचल गवर्नमेंट थोड़ा बॉर्डर रोड लोग को अच्छा से बना रहा है, इसका वजह से आजकल ये जीरो का रास्ता से हम लोग कहीं भी, मतलब रास्ता तो लॉन्ग है पर कहीं भी जा सकते हैं। लाइक यहाँ से आलो भी आप जा सकते हैं, यहाँ से पसीघाट भी जा सकते हैं, यहाँ से घूम के फिर आप असम भी जा सकते हैं, पर उसके लिए बहुत लंबा होगा। मैं जीरो जब भी आते दिल खुशी होता है। और ये लोग कैसे ओवरटेक मार रहे हैं यार। तो ये हपोली, यहाँ से जीरो ओनली 5 किलोमीटर, 5 या 6 किलोमीटर है यहाँ से। आज पुलिस चेक नहीं हुआ, हम लोग यहाँ रुकना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग को यहाँ से राइट टर्न लेना है। क्या विलेज तरह है, क्या विलेज बोला, होगो भूल गया विलेज का नाम, तो बताएंगे। एक्चुअली ये रास्ते से हम लोग ना जीरो पे जहाँ मनाते हैं वहाँ भी जाते हैं, एंड देन इसे लेक भी यही रास्ते से जाता है, जीरो का सबसे ज़्यादा आने वाला जगह। और यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में कीवी गार्डन। कीवी गार्डन अभी सीजन नहीं है तो इसलिए हम लोग कुछ दिख नहीं रहे। एक्चुअली अच्छा से बोलने से हम लोग अरुणाचल में ये टूरिज्म और एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत आगे बढ़ सकता है, पर ओनली बिकॉज ऑफ रोड कनेक्टिविटी अच्छा से हम लोग नहीं हो पाते। तो यहाँ बारिश दिया है ना, पानी ऐसे है ना, समझ में नहीं आ रहा है। तो रास्ता बहुत खराब होने का वजह से बहुत बाउंसी हो रहा है।
तो हम लोग यहाँ से स्कूटी वापस घुमा लिया है, अभी समझ में नहीं आता, वो रास्ता तो क्लोज है बोल रहे, तो अभी किस तरफ से लेफ्ट जाओ बोला हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग यहाँ का व्यू देख सकते हैं, साइड में है बम्बू और बीच में है रास्ता, सुबह सुबह उठ के खाओ तुम पास्ता। ओ हो गया, हो गया, पहुंच गई, ये पहुंच गया ना, नहीं नहीं खुल रहे, हम लोग पाव किचन रह गए, नहीं किचन है, पिंदा क्या आप लोग भी, ओ ठीक है सुना है, बाप रे अब वो घर इतना सुंदर है, तो ये वाह वाह वाह, काइंड ऑफ होम स्टे, पूरा दिल्ली दिल्ली, तो ये है बीजी कैंप, तो पर बहुत ही सुंदर है यहाँ पे, वाह बहुत अच्छा से बना है, यहाँ का व्यू देख सकते हो आप लोग, बहुत सुंदर है तंगल आपका जगह। तो यहाँ पे अपना हमें इतना सुंदर है, चाइना आगे जैसा लग रहा है, यहाँ का बम्बू लोग इतना पतला है। तो ये बाहर का व्यू है, तो अंदर आने से ऐसे कुछ होता है, तो अभी यहाँ से हम लोग ब्लैंकेट व्लैंकेट ले रहे हैं, तो ऐसे हम लोग का अरुणाचल का ट्रेडिशनल हाव ऐसे कुछ ही होता है, इवन हर ट्राइब में यहाँ नीचे आग जलाने के लिए होता है, और यहाँ में तो ऊपर लकड़ी वकड़ी रखता है, और ये कॉमन रूम टाइप का ऐसे कुछ नहीं, ये सब घर से तो हम यूज टू ओके ये जस्ट हम दिखा रहे हैं, अगर बाई चांस अगर कोई मेरा बाहर का दोस्त लोग देखता है तो अरुणाचली ट्रेडिशनल हाउस कैसे होता है बोलने से ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ पे आते और आते ना हम पता नहीं में क्या बोलता है ग्रैंड पेरेंट्स को हम मालूम नहीं, बेचारा हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स लोग भी ऐसे ही बैठते हैं वहाँ पे घर पे। तो कैसे लगा लेंजिंग यहाँ पे आके आपको? बहुत थक गया था लेकिन जगह तो बहुत सुंदर है, मैं जगह को देख के डायरेक्ट खुश हो गया। और थोड़ा सामान वामान उठाएगा, सामान वामान अभी उठाने जाएगा, तो यहाँ लो आज रात यहाँ। तो हम लोग का कैंप साइट इतना अंदर था कि अभी वापस हम लोग मार्केट जाने के लिए भी रास्ता थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, और आप लोग यहाँ का नज़ारा देखो एकदम फोग फोग। तो अभी आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह का 8 बज रहा है, कल रात थोड़ा और वीडियो बनाया सोचा था पर इतना लग गया कि अग तप तप के तो सोना ही पड़ गया हम लोग को। तो अभी हम लोग सुबह उठ के अभी थोड़ा चाय वाय पी के थोड़ा व्यू पॉइंट लोग को थोड़ा देखने जाएगा सोच रहा है, उसके बाद तो पूरा सर्दी होगी क्योंकि हमें ठंड बहुत है, क्या बोलेगा। तो यहाँ का व्यू ऐसे कुछ था, कितना बार दिखाएगा इसको ना। तो अभी हम लोग चाय पीने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जाने का समय आ चुका है, ठीक है आंधी मिलेगा दे अच्छे से रहो आप लोग भी, ठीक है आंधी नेक्स्ट कर देगा, ठीक है अंकल मिलेगा, ठीक है ताता यस। यहाँ आगे पेट्रोल पंप है, हम यहाँ से थोड़ा तेल भी भरा ही लेगा क्योंकि बाद में इतना टाइम वेस्ट करने में नहीं है। Oh no, no petrol. कहाँ सा रिसोर्ट का है? रिसोर्ट रिसोर्ट रास्ता रिसोर्ट का यही इसको तिल होता है ना ऊपर। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंच गए रिसोर्ट के ऊपर में, टिकट काउंटर आके है और गेम जोन भी है। तो यहाँ मैं नहीं नहीं है ये बातें वही
इस मोर पर हम मिले हैं नन्ना 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 ओ मजा है रे हाँ और एक बार वूहू ओके इतना ही यहाँ में लगेगा अभी हम और मिस्टर जिंग का वार लगने वाले ये हो ही नहीं रहे तो ये क्या सिर्फ बैलेंस 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 और तो नीचे करो बैलेंस कर ले और तो तेरा वेट मेरा वेट ज्यादा है ना ऊपर नीचे ये क्या ना 50-50 इज गोइंग ऑन विद दिस व्यू ठीक है ना नाव जैसे वाला झूला है तो कोई बीच में भी बैठने का जगह ये तेरा ये मेरा ये तेरा ये मेरा ये तेरा ये मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा ये जबर है हो गया हम भी चल रहे हैं ऊपर इसलिए हिल रहा चलो ओके चलो चलो अभी नहीं ले ये झूला में झूल के देखो ना एक बार झूल के देखो ना चल ना झूल के देखो पलटी होने वाला कैसे झूलेगा हम समझ गए पर ना समझने का झूलो जाओ किसी से मत झूलो कैसे झूलेगा ये जो ऐसे तुम तो झूलो झूलो झूला लॉक कर दे तो अभी हो गया ना है ना हाँ कब दुख तकलीफ वाला झूला रहे सक दिया तो बैठ के देखेगा बदल बैठ के झूला अंदर ये ही क्या डायरेक्शन बदल गया रे झूला डायरेक्शन बदल गया झूला भी हिल रहा है हेलमेट भी हिल रहा है पहले ऐसे सीधा सीधा झरता भी ये पहते थे ऐसे से हो गया हो गया काजल रिजॉर्ट मेंटेनेंस करने बहुत जरूरी है अभी सब कुछ तो दिया है आगे इसको देखो ये तो 1947 का है क्या होता है ये काराखाने जगह है खाना रखने से बस उसको भी देखो ना झूला कैसे हो गया वो तो डेथ झूला डेथ एक रस्सी गलती पीछे पालती एक रस्सी गलती पीछे पालती ये भाई का बचपन का सपना पूरा हो गया ना ठीक है भाई यहाँ से तुम गलती से बाहर भी निकल सकते जल्दी मारो तो एक चल एक बताए मारो कुछ नहीं है ना हाँ चलो 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 100 रुपये का पूरा मजा होता रहा है चाबी दो चाबी दो चलो नहीं होगा ना चलो दाइप मारो ना एक बार हाँ चलो कुछ नहीं है ना चलो चलो अरे होगा 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 जरूर होगा चलो चलो हाँ तोरा आगे ला मारो ना क्या पीछे ला मारता है आगे ला तकलीफ होता है ना पीछे ला वो हो वो ओ ओ आपका तैयारी बॉडी नहीं आई चल भी नहीं हाँ
फिर बंजी का प्रिपरेशन, सेकंड ट्रिप, सेकंड ट्रिप तो ये लॉन्चिंग स्टार्ट होने वाला है। लॉन्चिंग सीक्वेंस वो देखो, अंदर जा रहा है। अब इसका देखेगा, रेडी रेडी तैयार हो गया रे। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग का जितना एडवेंचर करना था वो खत्म हो गया। अभी बारिश भी, मौसम पूरा बादल बादल हो रहा है, तो हम लोग को उससे पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अभी कम से कम हम 150 किलोमीटर जाना है, तो 3-4 घंटा तो लग ही जाएगा। तो आज का पार्क का यही पे था सफ़र, और यहाँ का ये थोड़ा ये एडवेंचर कैंप को थोड़ा मेंटेनेंस करने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेफ्टी फीचर्स बहुत कम है, क्योंकि झूला वूला भी एकदम पूरा तुटके है, और कोई कोई में रस्सी जो आधा मुरा होके। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेगा, उसके बाद देखते हैं आगे एक जगह घूमने का सोच रहा है, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड नगर नगर। तो ये जगह का नाम है यजाली। तो दोस्तों, हम लोग थोड़ा देर पहले वहाँ से काजा रिसोर्ट से सीधा निकल गया था, उसके बाद हम लोग कहीं और घूमे सोचे, तो वो जगह उतना अभी वोटिड नहीं है, ऑटम सीजन में वोटिड होगा बोला, तो हम लोग को शाम को काम भी था, इसीलिए हम लोग यहाँ से निकल गया। तो दोस्तों, आप लोग मत सोचो कि हम रेगुलर वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रहा था जो कि सबका में चलता ही है। तो कोई नहीं, जल्दी ही नया वीडियो हम और जल्दी अपलोड करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना आसपास साफ सफाई रखिए। ओके देन, सी यू।